आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। योगी का तांज बोले, हम दोबारा सरकार बनाकर आएंगे। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद, बोले पाकिस्तान ने सिर्फ 13 दिन में अपना सिर झुकाया है और अमेरिका का भी। गुजरात के पंचमहल में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 2 मजदूरों की मौत। प्रदूषण का परमानेंट इलाज चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आयोग के आदेश, लोगों और एक्सपर्ट से सुझाव मांगो। किसानों की घर वापसी के बाद मेरठ एक्सप्रेसवे खुला, NH24 पर दौड़ने लगी गाड़ियां। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान बहादुराबाद टोल प्लाजा से विधिवत रूप से 8 महीने के बाद घर लौट आए हैं। घर लौटने से पहले किसानों ने टोल प्लाजा बहादुराबाद पर खुशी का इजहार करते हुए नाच गाना किया। डीजे पर किसानों ने जमकर ठुमके लगाए। यहां से किसान फतेह मार्च के रूप में ट्रैक्टर ट्रॉली और ग्रहणियों के माध्यम से ज्वालापुर होते हुए दिनारपुर गुरुद्वारे पर आंदोलन को समाप्त कर दिया। समाप्त हो रहा है। आज 383 दिन के बाद आज गाजीपुर बोर्डर, सभी बोर्डर सब धरने आज वापस हो गए। आज सब अपने घर प्रस्थान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ये हरिद्वार में जो हैदराबाद में हमारा धरना चल रहा था, आज इसकी भी हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। दिल्ली में 13 महीने से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के सपोर्ट में ही यहाँ टोल प्लाजा को धरने लगाए गए थे। 7 महीने हो गए यहाँ हैदराबाद टोल प्लाजा को हमने धरना लगाया था। यहाँ की मीडिया का भी सहयोग मिला, यहाँ की क्षेत्र की जनता का सहयोग मिला, यहाँ के प्रशासन का सहयोग मिला और बहुत ही सहयोग से यहाँ का धरना चलाया गया। हमारा ये कहना कि हमारा जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ, हम संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी का सूपड़ा साफ करने का काम संयुक्त किसान मोर्चा है। उसमें हमारे 750 किसान जो है शहीद हुए हैं। ये हठयोग की सरकार थी, इसको जो है किसानों ने हराया है और आगे इलेक्शन में भी किसान हराएंगे। जो हमारा जो बहादुराबाद धरना चल रहा था टोल प्लाजा पे 8 महीने से, आज इसका समापन किया गया है और यहाँ से हम फतेह मार्च निकाल के ज्वालापुर, इक्कड़, डांडी चौराहे, चिट्टी कोटी होते हुए दिनारपुर गुरुद्वारे तक जाएंगे और वहाँ पे जाके गुरुद्वारे में माता। खबर देहरादून से है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि धामी धाकड़ बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी है। बता दें कि रक्षा मंत्री देहरादून में सैन्य धाम की भूमि पूजन कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने सीएम धामी के कार्यों की जमकर सराहना की और कहा कि उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आप भी सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी युवा हैं, मैं जानता हूं। युवा होने के साथ ही विनम्रता और शालीनता की भी पराकाष्ठा है। जिससे भी बात करिए सब कहते हैं कि भाई अभी तो इनको जांच परखे जाना है, भविष्य में क्या करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है, बहुत ही शालीन हैं, सज्जन हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसकी लोग तारीफ करते हैं। और जिस तेजी से हमने काम करना प्रारंभ किया है उसकी भी जन सामान्य में इसकी चर्चा की जा रही है। इसलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तरार गेंदबाज भी हैं। और पलक झपकते ही अपने विकास विरोधियों,
कालाडूनी में नहर के लिए सुरक्षा दीवार का कार्य प्रगति पर है। लोगों ने सुरक्षा दीवार के कार्य को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो निजी ठेकेदार ने सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य मानकों के खिलाफ किया जा रहा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। है कि उसमें ये कार्य विगत 2-3 महीने पहले भी दीवार इसकी बन चुकी है, 2-3 बार ये दीवार बन चुकी है, दोनों बार ये बह गई थी, टूट गई है। अब तीसरी बार ये सिंचाई विभाग द्वारा फिर बनाई जा रही है, तो तीसरी बार भी क्या है कि इसमें अभी अंदर से इसका बिल्कुल भरा नहीं हुआ है। जो हमारे उसमें ऊपर से ऐतिहासिक नहर गई है एक, उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है अंदर से उसमें से पानी रिस रहा है, गिर रहा है, और उसको वैसे ही ढक दिया गया है। और जो उसमें रेता लग रहा है वही नाले का खोद के ही उसमें रेता लगाया जा रहा है। तो हमारी ये ऐतिहासिक नहर है, ये हमारे टोटल नीचे पूरे जो गांव हमारे जुड़े हुए हैं ब्लॉक के, यहाँ से कुआडाट, देवलचौर, चकलुआ सब होते हुए नहर हमारी गई है, सिंचाई के काम आती है। और उसकी भी कोई सुरक्षा इस दीवार के माध्यम से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंदर से पूरी दीवार। हरिद्वार में विधानसभा ज्वालापुर में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे भूप सिंह ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी के दूरदिन पहुंचने पर ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारी कर रहे हैं भूप सिंह। अपने समर्थकों के साथ देहरादून के लिए रवाना हुए, जहां पर भूप सिंह को भारी मतों से जिताने का वादा भी किया जा रहा है। विजय सम्मान ले ली है माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और ये गरीब किसान मजदूर के हक की लड़ाई है। जब जब भाजपा सरकार आई है तो कमर तोड़ महंगाई आई है। आप देख रहे होंगे कि तेल का क्या रेट है, आप देख रहे होंगे गैस जो 400 का मिलता था वो आज 900 का मिल रहा है, और खाने का तेल भी जो कभी 90 रुपये मिलता था आज से 7 साल पहले, आज वो 220 रुपये का। दोस्तों, तो गरीब मजदूरों के हक की लड़ाई है आज ये। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारे हरीश रावत जी माने लगातार सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब मजदूर की, और बहन प्रियंका गांधी भी यूपी में देख रहे होंगे कि सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ रही है। ये उनकी अपनी लड़ाई नहीं, वो गरीब मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, जो गरीब मजदूर को आज की तारीख में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही। तो इस लड़ाई को मैं चाहता हूँ ज्वालापुर के आम जनता, गरीब जनता, किसान मजदूर मेरे साथ आज चल रहे हैं। इस विजय सम्मान रैली जो शहीदों के सम्मान में है, तो ये सभी साथी, सभी दोस्त और सभी ज्वालापुर विधानसभा के साथी आज इस रैली को सफल बनाने के लिए भारी मात्रा में, मेरे हिसाब से मेरे आप देख रहे होंगे लगभग 100 गाड़ियों का काफिला आपके साथ जा रहा है। आप आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने अपने मंडली कार्यालय पौड़ी गढ़वाल से वर्चुअल माध्यम से जनपदवार गढ़वाल मध्यम मंडल के अधिकारियों के साथ राजस्व प्रशासन कोर्ट केस तथा स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक के लिए उन्होंने मंडल गढ़वाल के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को निर्देशित किया। अपने अपने न्यायालय के लंबित प्रकरणों का सामान्य अंतर्गत निरास्तरण करना सुनिश्चित करें, और कहा कि जहां मामले अधिक हैं वहां प्रत्येक माह समीक्षा कर गति लाना सुनिश्चित किए जाएंगे। आयुक्त सुशील कुमार ने जनपदवार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कोविड-19 के तहत वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज को लगाए गए, इसी के साथ ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी बात कही गई। ज्वालापुर विधानसभा के जसवाला कोर्ट में मच्छी रेडी तक विधायक सुरेश राठौर की तरफ से एक सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया था, लेकिन विभाग और ठेकेदारी की लापरवाही के कारण लगभग 6 महीने बीत जाने पर भी सड़क निर्माण का कार्य अधूरा लटका हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर अखबार और चैनलों में प्रकाशित होने पर विधायक सुरेश राठौर की ओर से निर्देश मिलने पर विभागीय अधिकारियों के साथ पूर्ण निरीक्षण किया गया, जहां पर बड़ी खामियां देखने को मिली, जिसमें विधायक के साथ पहुंचे विभागीय अधिकारियों को जनता का विरोध देखने को मिला, जिसमें ग्रामीण के विरोध के चलते विधायक सुरेश राठौर ने ग्रामीणों ने बात की और 2 दिन के मच्छी रेडी से लेकर धनौरी तक सड़क का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। इस मार्ग पर ये 10.53 किलोमीटर की ये सड़क है, और इस पर G3 लेवल तक का काम पूरा हो चुका है,
वर्तमान में उस रोड पर गाड़ियों का आवागमन, जो गन्ने से लदी हुई गाड़ियां होती हैं, आजकल उनका आवागमन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्य में थोड़ी बाधा आ रही है। और इसका समाधान निकालने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, और अभी कार्यस्थल का निरीक्षण करके किस तरह से इस कार्य को जल्दी पूरा किया जा सकता है, इसके दिशा में प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, मांग सतत विकास ही हमारी उपलब्धि है, और वो ही हम चाहते हैं। बराबर निरंतर संपर्क में है, जो कठिनाई आ रही थी चीफ इंजीनियर को बुलाकर मैं लाया हूँ, और आज उसका मुआयना कर रहे हैं, कोई ना कोई हल निकलेगा, और हम चाहते हैं चुनाव से पहले हमारी सड़क का निर्माण हो जाए। ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री डाल दी गई थी, परंतु उसका कोई कार्य नहीं रहा। यह मार्ग केली वाला धनोली से डालू वाला मजपता तक बनना है, पर इस पर अभी तक कोई कार्य नहीं होगा। चुनाव को देखते हुए इस बार अब सुरेश राठौड़ ने सड़क का दौरा किया है, आज उनके साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं, देख रहे हैं कि आज हम यहाँ पर विधायक सुरेश राठौड़ द्वारा आकर सड़क इसका निर्माण निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने जो है ना जनता को उसके आक्रोश भी देखने को मिला है। आज उन्होंने इस कार्य को दो दिन में कराने के लिए आला अधिकारी को निर्देश दिए हैं, और उन्होंने इसका जनता को आश्वासन भी दिया है कि यह दो दिन में हम इस सड़क को निर्माण कराकर जरूर दिखाएंगे। रामपाल सैनी, प्राइम टीवी न्यूज, धनोली। कालाडूंडी पूर्व सैनिक उत्थान संगठन की तरफ से कालाडूंडी में ऐतिहासिक विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और वीरों के सामने दीपक प्रज्वलित करके की गई। स्कूल की कई बालक बालिकाओं ने रंगारंग कार्यक्रमों को सैनिकों को समर्पित कर रहे। वहीं पूर्व सैनिकों और इनके परिजनों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कलाकारों ने सैनिकों के सम्मान में नृत्य प्रस्तुत किया, जहाँ भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट का कहना है कि हमारे लिए आज भी बहुत गर्व का दिन है। देश के वीर जवानों के बलिदानों और अद्वितीय पराकाष्ठा के चलते 16 दिसंबर 1971 के दिन भारत की निर्णायक लड़ाई भी भारत की जीत हुई थी। कैप्टन लक्ष्मण सिंह देवप्पा का कहना है, कालाडूंडी में सैनिक उत्थान संगठन की तरफ से विजय दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे बीच आ रहे हैं, और लोगों में बहुत उत्साह है, और पूरी जनता में, उत्तराखंड की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि आज हमारे बीच राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उत्साह है, कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि भाजपा की यहां से विदाई हो रही है जल्दी 2022 में, और कांग्रेस की वापसी हो रही है। इसलिए हर जन जन में, बच्चे में, महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में बहुत उत्साह है, और आज हम सब मसूरी से उनका स्वागत करने के लिए देहरादून जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रैली की सफलता के लिए हम सब लोग मिलजुल के काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम आज जो है ये रैली के माध्यम से भाजपा की निकम्मी, बहरी, गुंगी, महंगाई वाली सरकार पर अंतिम कील ठोकने जा रहे हैं, और उत्तराखंड की जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है, और भारत के जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा ये राज्य है जहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी दर है, और सारे बेरोजगार जो लोग हैं किसी भी सेक्टर में वो सारे। सितारगंज में सितारगंज के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूक रैली का निकाली। जहां राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के प्रधानाचार्य बीपी वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मतदाता जागरूक रैली आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के प्रांगण से होते हुए सिडकुल रोड मुख्य चौराहा नहर पार होते ही आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के प्रांगण में शपथ ग्रहण के बाद संपन्न हुई। इस दौरान गुलफाम ने उनके साथियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के बच्चों की मतदान जागरूकता अभियान पर एक रैली निकाली गई। यह रैली विद्यालय से चौराहे तक गई, साथ ही एक छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, मंचन किया गया, और उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि मतदान हमारा पवित्र अधिकार है, और इस अधिकार के बिना लोकतांत्रिक, सहभागी लोकतंत्र की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने वोट के महत्व को समझना है, और प्रत्येक बीएलओ से मिलकर के प्रत्येक 18 वर्ष वय का प्रत्येक नागरिक जो छूट गया है वो अपना मतदाता पहचान पत्र अर्थात ईपिक बनवाए। साथ ही यह इन बच्चों के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सामुदायिक सहभागिता इस तरह बढ़ाया जाए कि सहभागी लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप साकार हो सके और भारतीय जनता।
राहुल गांधी की रैली को लेकर विधानसभा के ज्वालापुर से टिकट की दावेदारी कर रहे एसपी सिंह इंजीनियर ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मिलकर देहरादून के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि एसपी सिंह इंजीनियर का क्या ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को लेकर हर किसी में उत्साह है और ये भी कहा कि भाजपा सरकार की 5 साल की विफलताओं से प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है और भाजपा सरकार में केवल महंगाई बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। वही नितेश शर्मा विधानसभा ज्वालापुर प्रभारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फिर भी विधानसभा ज्वालापुर के खस्ता हाल रहा। आगे उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा ज्वालापुर के दौरे पर हूँ। दिखाई दे रहा रैली नहीं रैला है, तो वास्तविकता ये है कि हमने जो जब वहाँ पे कमिटमेंट की बात आई हमने उनसे कहा था कि हम 30 मेटाडोर और 5 बड़ी बसें लाएंगे, परंतु हमने बड़ी 10 बसें की हैं और मेटाडोर जो है जो 25 सीटर मेटाडोर है 25 की है और स्कॉर्पियो और कारों का हम काउंटिंग ही नहीं कर रहे हैं। हमारे आदमी 1000 से ज़्यादा उसे हम ही लेके जा रहे हैं और इस रैली में समझ लीजिए कि हरिद्वार से मुझे उम्मीद है कि हरिद्वार से कम से कम 25-30 हज़ार आदमी हरिद्वार से हो जाएगा और इस रैली में जो मोदी की जो स्ट्रेंथ रही थी यहाँ पे उनकी मुझे लगता है उससे कम से कम 3 गुने लोग जा रहे हैं। दीपिका पांडे जी हैं सह प्रभारी उत्तराखंड की, वो भी शामिल है। राजेश धर्मानी जी हैं उत्तराखंड के सह प्रभारी हैं, वो भी शामिल हैं। तो सबका मिलकर लक्ष्य यही है कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी के हितों की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तराखंड में 2022 में बनानी है। खबर चमोली जिले से है जहां थराली विकास खंड के सोलपट्टी के डुंगरी रई साढ़ से यहां आए दिन भालुओं के लोगों पर लगातार हमला रहता है और भालुओं के लोगों पर हमला करने से चारों तरफ दहशत फैल गई है। ताजा मामला सोलपट्टी के रुई साढ़ गांव का है जहां अपने घर के पास खेत में बागवानी का काम कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को ग्रामीण और परिजनों ने बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। भालू के आतंक को देखते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग से शिकायत की और उससे मदद मांगी है। सोल क्षेत्र के ग्राम सभा रुईसाण एवं डोंगरी ग्राम सभा में लगातार 2-3 महीनों से जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ है। इसमें जंगली भालू लगातार आए दिन लोगों पर अटैक करते जा रहा है। 1 महीने पहले यहां पर गुप्तारा में शिक्षक श्री भीम सिंह जी, उसके बाद अर्जुन कुमार और उसके बाद लखपत। प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता व चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर एजेंसी चौक पौड़ी समेत शहीद स्मारक स्थल पहुंचे। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर भारत पाक युद्ध 1971 के वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोहली, आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे सहित अन्य गणमान्य ने शहीदों को नमन करते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रावत ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि 1971 के युद्ध में देश के वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया है। इस पराजय के बाद पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी जीत पर सेना के अदम्य साहस और बलिदान को याद रखने के लिए 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पर एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी ज़िले के उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है और मैं फिर अपनी सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार 5वां धाम जो बना रही है उसमें सारे शहीदों के जो है वहाँ पे एक पट लगाए जाएंगे और कल देश के रक्षा मंत्री जी ने
लक्सर के कुड़ी भगवानपुर गांव में ट्रैक्टर से खेत जा रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 42 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से आज सुबह खेत जा रहा था और इसी दौरान पीछे से दो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर चार अज्ञात व्यक्ति आए, जिन्होंने अचानक ट्रैक्टर के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्र अधिकारी बीएसए चौहान ने बताया कि सूचना मिली कि कुड़ी भगवानपुर के पास ऋषिपाल नाम का एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो जी चार दो मोटरसाइकिल थी जी, दो दो जने थे जी, एक आगे रुक गया, पीछे तो गोली चलाया गया जी, दोनों फरार हो गए जी। इतना जी भी एकदम तो भीड़ भाड़ लगी जी, मैं भी उतर कर आज मोटरसाइकिल पता। कुड़ी भगवानपुर में है, बता रहे एक व्यक्ति को जो है ऋषिपाल नाम के व्यक्ति को जो है दो लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी, घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।